भारतीय किसान यूनियन ने सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिन्होंने आगरा में बने इनर रिंग रोड और पार्सल लैंड और इंटर पैच को बनवाने में अरबों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश किया है, जिस पर डीएम साहब द्वारा जांच के आदेश भी दिए गए हैं। दोषी अधिकारियों के नाम भी खुल चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और उसी कार्रवाई की मांग करते हुए किसानों ने विरोध का एक अलग तरीका आजमाया है। किसानों ने एमजी रोड पर करीब 5 किलोमीटर दूरी से जिला मुख्यालय तक सड़क पर लुढ़क लुढ़क कर डीएम कार्यालय का रुख किया, जिसे देखकर डीएम आगरा एनजी रवि कुमार का पारा चढ़ गया। हालांकि डीएम रवि कुमार ने समय रहते सही समय पर सही कार्रवाई करने का आश्वासन। कैमरा डाउन भाई। जो लीड की नंबर है इनर रिंग रोड का जांच का एक किसान यूनियन के नंबर डालो यार आ रहा है। 3 महीने पहले ही जांच किया गया था, वो जांच का प्रक्रिया चल रही है, उसका अंतरिम रिपोर्ट तो पहले हम लोगों ने माननीय हाई कोर्ट को दे दिया गया है और दूसरा रिपोर्ट के लिए वो इंतजार है, वो तैयार हो चुका है, वो 1-2 दिन में वो भी माननीय हाई कोर्ट को दिया जाए। 444 लेके इस तरह के प्रदर्शन हो जाते हैं सर, गलत बातें। मैंने इसलिए उनको कहा, किसान भाई ये लोग हैं, हमने उनको यही समझाया कि इस तरीके का करने का जरूरत नहीं है, वो खुद मैं इनको इज्जत सम्मान से बिठा करके जब बात करता हूँ इस चीज़ का जरूरत नहीं है, जिससे किसान नाखुश दिखाई दिए और किसानों ने 2 दिन के अंदर दोषी अधिकारियों का नाम उजागर ना करने पर चेतावनी दी है को नियत समय पर कार्रवाई ना होने के चलते आत्मदाह कर देंगे। आ रहे हैं, किस तरह का प्रदर्शन है, क्या मांगे हैं आप? मानवर किसान बुरी तरीके से पीड़ित है, 7-8 साल से किसान इतना इनर रिंग रोड अनपार्सल से इतना पीड़ित है कि किसानों की जमीन फ्री में ले ली और किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया, रोड बना दिया गया और इसमें अरबों रुपए का घोटाला कर लिया अधिकारियों ने। जब जांच अधिकारी ने एडीएम प्रशासन ने आरोपित कर दिया विभाग, 3 महीने से अधिक हो गए, नाम का खुलासा क्यों नहीं कर रहे हैं? डेली 1-2 दिन का समय ले लेते हैं, 1-2 दिन का समय ले लेते हैं, क्यों ले लेते हैं? उनका नामों का खुलासा करो भाई। जब किसान नेक्स्ट ही गलती पर ये जेल भेज देते हैं तो ये अपने बराबर के अधिकारियों को बचाने में लगे हुए, इसमें मेन मुख्य भूमिका बचाने में निधि श्रीवास्तव कर रही है और डीएम साहब को जो ज्ञापन दिया गया है उन्होंने 2 दिन का समय दिया गया है, अगर 2 दिन में नहीं करते हैं तो भाई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मथुरा में आ रहे, किसान उधर मुख करेगा और हो सकता है कि आत्मदाह भी करे और कमिश्नरी पर भी करे, जिसकी जिम्मेदारी एडीएम प्रशासन की होगी। एक तरफ केंद्र और प्रदेश की सरकार किसानों के उज्जवल भविष्य की बात करती है, लेकिन आगरा में किसानों की हालत बद से बदतर है। अभी हाल ही में मैं जिला मुख्यालय पर हूँ, जहाँ पर किसानों ने बहुत ही लंबा सफ़र करते हुए लेटते हुए अपने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, जिनका कहना है कि इनर रिंग रोड जो है उसमें किसानों की ज़मीन को हड़प लिया गया है, तमाम सरकारी अधिकारी उसमें लिप्त हैं, जांच उन पर बैठ चुकी है, उनका नाम भी निकल चुका है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, किसानों को इंसाफ नहीं मिल रहा, जिसकी गुहार लेकर किसानों ने चेतावनी दी है कि आगामी 2 दिन में जिस मथुरा में पीएम का जो दौरा है उसमें वो अपना आत्मदाह कर सकते हैं और इससे भी बड़ी कोई हरकत कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चेतावनी हो सकती है। अपने साथ दीपक के साथ OP वरुण न्यूज़.com आगरा।